नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं चंद्र केतु की युति। जब चंद्र ग्रहण योग बनाती है तो उसका क्या फल होता है और उसके उपाय क्या है। चंद्र मन का कारक है, माता का कारक है, कल्पनाओं का कारक है और केतु मोक्ष का कारक है, आध्यात्म का कारक है, बिना मुंडी का शरीर है जिसके पास दिल है लेकिन दिमाग नहीं है। चंद्र केतु जब साथ में बैठे हो तो व्यक्ति का आत्मबल कमजोर होता है, विल पावर कमजोर होता है, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है, वो अपने मन को किसी एक जगह पे केंद्रित नहीं कर पाता और उसका मन बहुत ही चंचल होता है, अपने निर्णयों पे अड़ग नहीं रह पाते। जिन बच्चों की कुंडली में चंद्र केतु साथ में हो उनकी पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आती है और उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर भी कमजोर होता है। चंद्र केतु की युति जिस व्यक्ति की कुंडली में होती है उनमें खूबी होती है कि वो लोग दूसरों का मन आसानी से पढ़ लेते हैं, दूसरों के मन में क्या चलता है वो आसानी से जान लेते हैं, वो दूसरों को अच्छी तरह परख लेते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ही कठिन होता है। उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो कोई जल्दी जान नहीं सकता। चंद्र केतु की युति जिसकी भी कुंडली में होती है उनमें और एक बात पाई जाती है कि वो थोड़े धुनी स्वभाव के होते हैं, वो थोड़े मूडी स्वभाव के होते हैं, खुश होंगे, हंसी मजाक करते होंगे, अचानक सीरियस हो जाएंगे, अचानक उदास हो जाएंगे, अचानक चिढ़ जाएंगे, अचानक भड़क जाएंगे। उनको क्या हुआ, किस बात का बुरा लगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छे खासे हंसते खेलते व्यक्ति अचानक अपना मूड चेंज कर लेंगे, अचानक चेंज हो जाएंगे, इसलिए कुछ लोग उन्हें सनकी भी कहते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र केतु की युति होती है उनमें और एक खासियत देखी गई है कि वो लोग खोजी स्वभाव के होते हैं, उनको रिसर्च के अंदर बड़ा इंटरेस्ट आता है, उन्हें कोई भी काम दे दिया जाए तो उस काम की तह तक पहुंच जाते हैं। अगर उनको किसी के बारे में जानना हो तो कुछ भी करके उस व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं, फिर वो टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं किसी व्यक्ति की माध्यम से, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी कुछ ही समय में हासिल कर लेते हैं। ये चंद्र केतु का स्वभाव है। चंद्र केतु जिसकी भी कुंडली में साथ में होते हैं वो लोग गुड विद्याओं में रसिक होते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र रत्न शास्त्र वास्तु शास्त्र ज्योतिष शास्त्र ऐसे गुड विषयों में काफी रुचि लेने वाले लोग होते हैं। और चंद्र केतु की युति एकदम प्रबल हो और उस पर गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि हो या उसके साथ युति हो तो वो लोग गुड विद्याओं में पारंगत होते हैं, निष्णांत होते हैं। चंद्र केतु की युति व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाती है, धार्मिक बनाती है, स्पिरिचुअल ज्ञान में रुचि लेने के लिए तैयार करती है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये सब विषयों में उनको बड़ा आनंद आता है, ये सब विषयों में रुचि लेते हैं और उसकी तह तक जाने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत, योगी, महात्मा ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में चंद्र केतु साथ में देखे गए हैं। प्रिय दर्शकों, अभी हम और गहराई में जाएंगे कि चंद्र केतु का फल कैसे मिलता है, आइए देखते हैं। काल पुरुष कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव का मालिक है और अगर वो केतु के साथ हो तो जिसकी भी कुंडली में चौथे भाव में चंद्र केतु हो उनके घर में वास्तु दोष निश्चित पाया गया है और उनके घर में संबंधों के अंदर लड़ाई झगड़े कंकास कलेश बहुत पाया गया है। किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर अगर चंद्र केतु हो तो वो एक अच्छा तांत्रिक बन सकता है, एक अच्छा ज्योतिषकार बन सकता है। किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर पंचम भाव में और अष्टम भाव में अगर चंद्र केतु हो तो वो एक अच्छा जासूस बन सकता है, एक अच्छा ज्योतिषकार बन सकता है, एक अच्छा रिसर्चर बन सकता है और गुड विद्याओं में रुचि लेने वाला व्यक्ति बन सकता है। मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है ऐसे विषयों में भी ये लोग रुचि लेते हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में।
जिसकी भी कुंडली के अंदर सप्तम भाव में चंद्र केतु साथ में हो, तो उन लोगों के विवाह में विघ्न होता है, सगाई टूट जाती है, शादी होके टूट जाती है, या फिर पत्नी के साथ जीवन भर बनती नहीं। चंद्र केतु जब साथ में हो तो और एक बात देखी गई है कि उन लोगों को छोटी छोटी बातों का ज्यादा टेंशन आ जाता है, और उन लोगों को अगर उनके जीवन में कोई दुर्घटना घट गई तो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, और अगर डिप्रेशन ज्यादा हो गया तो वो अपने आप को हानि और अपने आप को नुकसान पहुंचाने तक पीछे नहीं हटते, या फिर आत्महत्या करने का भी प्रयास करते हैं। चंद्र केतु की युति जब साथ में हो तो उनका सिक्स सेंस पावर बहुत स्ट्रांग होता है, उनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। उन्हें कभी कभी पहले के बारे में कुछ व्यक्ति को देखते ही उन्हें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, मतलब वो लोग पहले आने वाली घटनाओं के बारे में भी बहुत कुछ जान लेते हैं, यानी उनका भास उतनी पावरफुल होता है, उनका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है, उनका सिक्स सेंस पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है। प्रिय दर्शकों, चंद्र केतु की युति में और एक बुराई देखी गई है, जिसकी भी कुंडली में चंद्र केतु साथ में हो वो लोग पीठ के पीछे निंदा करने वाले देखे गए हैं, बुराई करते हुए देखे गए हैं, और उनको दूसरों की बुराई करने में मजा आता है, ये भी देखा गया है। अभी हम जानेंगे कि चंद्र केतु की युति हो तो हमें क्या करना चाहिए। हमें चंद्र का बल बढ़ाना चाहिए और केतु को शांत करना चाहिए। अभी चंद्र का बल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए तो सुनिए, ओम ह्रीम चंद्राय नमः, ओम ह्रीम चंद्राय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। सोमवार के दिन शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए, और रुद्राभिषेक के अंदर दूध पानी और चंदन को मिला के अभिषेक करना चाहिए। महामृत्युंजय के मंत्र जाप करने चाहिए, चांदी के आभूषण धारण करने चाहिए, रोज सुबह उठ के स्नान करने के बाद, भगवानों की पूजा करने के बाद सबसे पहले माता के चरण स्पर्श करके माता के आशीर्वाद लेने चाहिए। अभी हम जानेंगे केतु को शांत कैसे किया जाता है। तो केतु को शांत करने के लिए काले तिल का दान करें, कंबल का दान करें, एक नारियल को अपने पे से 9 बार घुमाकर और बहते हुए पानी में जल प्रवाह करें, भगवा वस्त्र साधु संतों को दान करें, पीले वस्त्र ब्राह्मणों को दान करें, सप्त धान्य शिव जी को अर्पण करें, गणेश जी की उपासना करें, और ये सब करके और चंद्र को आप शांत कर सकते हो। अभी हम जानेंगे कि चंद्र केतु की युति जब हो तो उसका फल कब मिलता है। तो जब ही चंद्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंत दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तब फल मिलेगा, या फिर केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंत दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तब इसका फल मिलेगा। इसके लिए और एक बात का ध्यान देना है, दोनों की डिग्री कितनी पावरफुल है। अगर दोनों की डिग्री बहुत नजदीक है तो युति को बहुत ही प्रबल माना जाएगा, और दोनों के बीच में काफी सारा अंशों का डिफरेंस है तो युति कमजोर मानी जाएगी। जैसे कि मान लो चंद्र 4 डिग्री पे है और राहु केतु 27 डिग्री पे है, तो यह अंशात्मक युति नहीं मानी जाएगी, तो इसका फल काफी कमजोर हो जाएगा। और एक बात नियम बताता हूं कि अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र केतु साथ में है और चलित कुंडली के अंदर दोनों अलग है तो ये इतना पावरफुल युति नहीं माना जाएगा जितना लग रहा है। दूसरा, जन्म कुंडली के अंदर चंद्र केतु की युति है और नवमांश कुंडली में भी चंद्र केतु की युति है तो ये युति बहुत ही स्ट्रांग मानी जाएगी और उसका बहुत ही ज्यादा फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जिसकी भी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति होते हैं, उन्हें समझना बहुत आसान नहीं है। आज मैंने चंद्र केतु के बारे में काफी सारी जानकारी दी, आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।